मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोन्स एंड मसल्स। बोन्स क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है। बोन्स मीन्स होता है हड्डी और मसल्स मीन्स क्या होता है मांसपेशी, मांस। जैसे शरीर में जो है क्या है बोन्स है, बोन्स है जो स्केलेटल सिस्टम बनाता है और मसल्स है जो बोन्स के ऊपर में है जो मस्कुलर सिस्टम है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन। ह्यूमन बॉडी क्या है एक मशीन के जैसा है। जस्ट लाइक मशीन हैज वेरियस पार्ट टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। द ह्यूमन बॉडी हैज वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। जैसे मशीन के कई पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के जो है ऑर्गन है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जो बहुत सारे फंक्शन को क्या करते हैं कैरी आउट करते हैं जो काम करते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या है इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज वेरियस मशीन पार्ट आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली एंड देन दे आर असेंबल्ड टू मेक अप ए फंक्शनल मशीन। कई सारे कंपनी में और फैक्ट्री और इंडस्ट्री में क्या होता है मशीन के कई बार कई सारे पार्ट्स को बनाए जाते हैं और उसको असेंबल किए जाते हैं जोड़े जाते हैं इसलिए तो ताकि वो मशीन प्रॉपरली काम करे फंक्शनल काम करे। तो ठीक उसी तरीके से सिमिलरली इन द ह्यूमन बॉडी सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी का क्या है सेल्स जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट ऑफ जीवन का। जीवन का फंक्शनल यूनिट क्या है या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो वो सेल्स है। सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये हो गया। सिमिलर सेल्स आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। जैसे कि अभी हम आपको बताया कि सेल से क्या बनता है सेल ज्वाइंट होकर क्या बनता है टिश्यू बनाता है और ये सिमिलर सेल्स होता है मतलब एक तरह के सेल से ही मिलकर बनता है। जैसे अगर बोन्स की बात करें तो हड्डी किस सेल से बनी होती है तो उसका सेल्स अलग होता है और मांस का सेल जो है अलग होता है। तो हड्डी का टिश्यू अलग होता है और मांस का टिश्यू अलग होता है। तो जब भी हड्डी बनेगा बोन्स बनेगा तो उसका सेल्स एक तरह का रहेगा सिमिलर सेल्स बनेगा। एंड डिफरेंट टिश्यू आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेन। और डिफरेंट टिश्यू और अलग अलग प्रकार का टिश्यू क्या होता है मिल करके ज्वाइंट होकर के ऑर्गेन बनते हैं। तो एक ऑर्गेन बनने में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के टिश्यू का भी यूज होता है। द ब्रेन हार्ट लंग्स किडनी बोन्स एंड मसल्स आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गेन्स। मेजर ऑर्गेन्स मैन मैन प्रमुख ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं ह्यूमन बॉडी में तो ब्रेन है, माइंड है, हार्ट है जिससे कि हम लोग हार्ट से क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सर्कुलेटरी होता है। लंग्स क्या है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है। किडनी क्या है ये ब्लड को ये करता है प्योर करता है या प्यूरिफाई करता है जैसे पानी को हम लोग क्या करते हैं फिल्टर करते हैं ठीक उसी तरीके से किडनी जो है। बोन्स का क्या काम है बोन्स तो हम लोग जो खड़े होते हैं स्केलेटल सिस्टम तो बोन्स से बना एंड मसल्स अगर जैसे बोन शरीर को खड़ा कर सकता है तो मसल्स के बिना हम लोग चल नहीं सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। आसम होता है मेजर ऑर्गन्स ये सब क्या है मेजर ऑर्गन्स हैं शरीर के। दिस ऑर्गन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और ये सब क्या है ये ग्रुप ये मिलकर के एक डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। इच ऑर्गन सिस्टम हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन टू कैरी आउट और प्रत्येक जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या करता है कि उनका एक काम होता है अपना काम। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है भोजन पचता है हम लोगों का तो प्रॉपर अपना स्पेसिफिक फंक्शन है उसका अपना काम है। लेट अस लर्न अबाउट द सम मेजर ऑर्गन सिस्टम एंड देयर मेन ऑर्गन एंड पार्ट और हम लोग जो है आज इसमें पढ़ेंगे लेट अस लर्न अबाउट सम मेजर ऑर्गन कुछ मेजर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और मेन ऑर्गन एंड पार्ट इसका मेन ऑर्गन क्या है और इसके पार्ट क्या है। तो जैसे फर्स्ट आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है स्केलेटल आप लोग देखे हैं जैसे बॉडी का स्केलेटल ढांचा हड्डी का ढांचा जो होता है वो है। द स्केलेटल सिस्टम गिव शेप टू द बॉडी हमारे बॉडी को जो शेप दिया हुआ वो क्या दिया है तो स्केलेटल सिस्टम बोन्स के द्वारा ही दिया जाता है। इस कंसिस्ट ऑफ बोन्स क्या कार्टिलेज एंड ज्वाइंट्स इसमें क्या क्या है तो बोन्स है कार्टिलेज है और ज्वाइंट्स है। दिस सिस्टम प्रोटेक्ट्स
द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प अस टू मूव। और ये स्केलेटल सिस्टम जो ये क्या है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप लोग देखें हार्ट और लंग्स वो कहाँ पे है, तो रिब्स के बीच में रहता है, जिसको पसली कहते हैं। आप लोग देखे होंगे जैसे ये रहता है, इसे देख के आप लोग जान समझ सकते हैं ठीक है, इसके अंदर ही रहता है हार्ट और हमारे शरीर में ये बना रहता है। इसके बाद यहाँ पे जॉइंट रहता है, ये आप लोग देखे होंगे, तो इसी के अंदर रहता है लंग्स। जैसे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में दिया हुआ है बोन्स। बोन्स क्या है, बोन्स में से होता है हड्डी। हड्डी आप लोग देखते हैं, जैसे हड्डी कभी कभी टूट जाती है, अगर हम लोग कहीं गिर जाते हैं अचानक से, तो क्या होता है हड्डी टूट जाती है। बोन्स आर प्रेजेंट इन साइड द बॉडी। बोन्स कहाँ है, हमारे शरीर के इन साइड में, आउट साइड में नहीं, हम लोग बाहर साइड से हड्डी को नहीं देख सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ये किस से बना है, तो मिनरल से बना है, फॉस्फोरस और कैल्शियम से। सम लॉन्ग बोन्स हैव ए सॉफ्ट एंड स्पंजी मटेरियल इन साइड दैम विच इज कॉल्ड द बोन्स मैरो। और ये क्या है, ये लॉन्ग बोन्स जो है ये सॉफ्ट एंड स्पंजी मटेरियल से बना हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन्स मैरो बोलते हैं। ये कहाँ पे मिलता है, तो हड्डी के अंदर में सॉफ्ट मटेरियल है। इन ह्यूमंस रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस हियर। और यहाँ पे ह्यूमंस बॉडी क्या होता है, रेड एंड व्हाइट ब्लड जो है ये प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। स्केलेटन, स्केलेटन क्या है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट द बॉडी इज नोन एज द स्केलेटन। ये क्या फ्रेमवर्क है, जो बॉडी को सपोर्ट करता है किसे, खड़ा होने में। एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, टोटल 206 बोन्स होते हैं, जो अलग अलग साइज के होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। द ह्यूमन स्केलेटन हैज टू मेन पार्ट। ह्यूमन स्केलेटन का क्या है, दो मेन पार्ट है। द सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द वर्टेब्रेट कॉलम द स्कल एंड द रिब केज। ये सेंट्रल पार्ट में क्या है, तो वर्टेब्रेट कॉलम है, स्कल है और रिब केज है। और द पेरिफेरल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द लिम्स द अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट में क्या, अपर लिम्स है, लिम्स क्या होता है, जो हाथ है, और लोअर लिम्स नीचे होता है। और सेंट्रल पार्ट में क्या है, तो वर्टेब्रेट्स है और रिब केज है और स्कल है। वर्टेब्रेट्स क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट में। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट में क्या क्या है स्केलेटल सिस्टम में, जैसे स्कल है और वर्टेब्रेट्स कॉलम है, जिसमें वर्टेब्रेट्स कॉलम में क्या आता है, ये बैकबोन भी आता है, जो बीच का पार्ट है हम लोगों का पीछे साइड से, ये वर्टेब्रेट्स कॉलम है, और रिब केज ये हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग रीडिंग कीजिएगा और कीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज इसमें समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, हम उसको दोबारा बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।